आज हम आपको इंडिया की रियलिटी बताएंगे, इंडिया की रियलिटी और मजबूरी और परेशानी देखिए कि यहाँ कोई भी न्यूज़ चैनल इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए राजी नहीं है। न्यूज़ पे चैनल्स जितने भी इंडिया में हैं सारे प्राइवेटाइज्ड हो चुके हैं और ये सिर्फ अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। जो इनका एजेंडा है बस उसी लिए उसी की बात करेंगे जिसका इनको पेड है। बेसिकली दिस इज पेड प्रिंट न्यूज़ मीडिया, विश यू ओनली दोज थिंग्स जो इनको बोला जाता है और पीपल जो हमारे कंट्री के लोग हैं उनके दिमाग में भरा जाता है, उसके अलावा कोई भी चैनल नहीं दिखाया। अब ये देखिए एंक्रोचमेंट कैसे होता है। आपने रिवर बेड देखा, ये हमारे मेट्रो का हाल है कि मेट्रो के बाहर बड़ी मुश्किल से यमुना फ्लड आया था। यमुना फ्लड के बाद देखिए यहाँ फिर से एंक्रोचमेंट शुरू हो चुका है और ट्रैफिक का हाल बुरा है। G20 समिट हो रहा है और G20 समिट में जो है कुछ तैयारियां की जा रही हैं, अच्छे वे पे उसका स्वागत है, लेकिन एंक्रोचमेंट को रोकने, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने और साफ सफाई, सैनिटेशन, प्योर वाटर, एटलीस्ट प्योर वाटर और फूड, ये हमारी देश की जनता को मिलना चाहिए और अच्छे ट्रांसपोर्ट वेज, ताकि हमारी जो है स्पीड ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, वर्ल्ड हमें एक अच्छे देश और अच्छे नागरिकों के रूप में पहचान कर सके। और ये हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है G20 समिट में कि हम ये शोकेस करें दुनिया को। थैंक यू।